नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भाटी आपके साथ। नीतीश कुमार के पूर्व शिक्षा मंत्री और जदयू के विधायक मेवालाल चौधरी, जी हां, ये नाम अनजान नहीं है आप लोगों से। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी को अब कोर्ट का भी भय नहीं है। दरअसल जो खबरें निकल कर सामने आई है कि मेवालाल चौधरी को कोर्ट में हाजिर होना था, पेशी थी उनकी, लेकिन वो नहीं पहुंचे, ना ही उनके वकील की तरफ से कोई जवाब दिया गया। क्या कुछ खबर है अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, मेवालाल चौधरी की जो आपने बात की, याद होगा, हम अपने दर्शकों को याद दिला दे कि मेवालाल चौधरी प्रकरण में क्या कुछ हुआ था। मेवालाल चौधरी जिन्हें शिक्षा मंत्री का प्रभार बनाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश कुमार ने उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया था, पर शिक्षा मंत्री बनाए जाने के साथ ही साथ तमाम तरह के बवाल खड़े हो गए थे जो पिछले दिनों जब नई सरकार का गठन हुआ था नीतीश सरकार का, और मेवालाल चौधरी मंत्री बनाए गए थे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, और बाद में जब नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा किया और मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बना दिया, तो उसके बाद से विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। विपक्ष ने पूरी घेराबंदी कर दी थी, विपक्ष ही नहीं कहीं ना कहीं अंदर खाने में बीजेपी भी स्तब्ध थी। बीजेपी जो उनको सहयोगी पार्टी थी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी एनडीए के अंदर, बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठने लगी थी कि मेवालाल चौधरी जिन पर तमाम तरह के निमित्ताओं के आरोप हैं, घोटालों के आरोप हैं, शिक्षक नियुक्ति में घोटाले का बड़ा आरोप लगा था, वैसे नेता को पहले तो विधायक बनाया गया पार्टी की तरफ से और अब मंत्री बना दिया गया, और मंत्रालय भी वैसा थमा दिया गया, शिक्षा विभाग जिस विभाग में रहते हुए उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे थे। तो ये तमाम बातें सामने आई थी पिछले दिनों। मेवालाल चौधरी की इतनी किरकिरी हुई, नीतीश सरकार की बल्कि इतनी किरकिरी हुई कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के महज एक घंटे के बाद इस्तीफा देना पड़ गया था। तो पिछले दिनों आपको याद होगा स्नेहा कि मेवालाल चौधरी प्रकरण में यह सब कुछ हुआ था। अब मेवालाल चौधरी के मामले में जो आपने बताया कि मेवालाल चौधरी अब उन्हें कोर्ट का भय नहीं रह गया, बिल्कुल मेवालाल चौधरी को कोर्ट में पेश होना था। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली में घोटाले का आरोप लगा था, बिहार किसी विश्वविद्यालय में कुलपति रहते हुए उनके ऊपर, उस मामले की सुनवाई थी और इस मामले में उन्हें पेश होना था कोर्ट के सामने, पर मेवालाल चौधरी नहीं पेश हुए। दरअसल ये कल का वाकया है, कल कोर्ट में उनकी पेशी थी, मेवालाल चौधरी भी नहीं पेश हुआ और उनकी उनके जो वकील है वो भी नहीं पेश हुए। यानी मेवालाल के तरफ से कोई सफाई ही नहीं दी गई, बताया क्यों ही नहीं गया कि वो क्यों नहीं कोर्ट में पेश हुए। तो मेवालाल ने एक बार फिर गुस्ताखी की है। दरअसल शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो घिरे थे और अब जो है उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है स्नेहा। ये सीधा सीधा मामला बनता है कोर्ट की अवमानना का। मेवालाल चौधरी जो नीतीश कुमार में अभी भी भले ही मंत्री नहीं है पर वो जदयू के विधायक है, और जदयू के विधायक रहते हुए उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने हालांकि नया डेट जारी किया है और 1 फरवरी डेट तय कर दिया है कि मेवालाल चौधरी को पेश होना होगा। हालांकि ये बड़ा सवाल उठता है स्नेहा कि मेवालाल चौधरी आखिर क्यों नहीं पेश हुए कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, उनके वकील भी पेश नहीं हुए, कोई कारण भी पेश नहीं किया गया। तो इस तरह की बात जो है कोर्ट की अवमानना का मामला मेवालाल चौधरी की तरफ से सामने आया है जो नीतीश सरकार में वर्तमान में विधायक है। स्नेहा बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के विधायक कोर्ट में पेश नहीं हुए और कोर्ट की अवमानना की है। अब कोर्ट ने भी दूसरा डेट जारी कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार जब वो कोर्ट की अवमानना किए तो क्या नेक्स्ट जो उनको डेट मिला है उसमें वो जा पाएंगे, क्या उनके पास कोई जवाब है कोर्ट को। इस बीच एक और बात बता दे, दरअसल इस मामले में जो है बताया जा रहा है कि चार्जशीट जमा नहीं हुआ अभी तक। बताया ये जा रहा है कि इस मामले में जो चार्जशीट नहीं जमा किया गया है, 2017 में केस दर्ज किया गया था जिसमें मेवालाल मुख्य आरोपी हैं, और उसके बाद मेवालाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागलपुर कोर्ट से जमानत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बाद वह मार्च 2017 में हाईकोर्ट पहुंचे थे और वहां उनको जमानत मिली थी, लेकिन साथ साथ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा जोड़ी गई थी इसमें। इसके बाद केस निगरानी की विशेष अदालत में चला गया था। तो ये जो केस चल रहा है मेवालाल का गंभीर मामला है। इस बीच वो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बना दिए गए, पर अब एक बार फिर वो विवादों में घिरते दिख रहे हैं कोर्ट की अवमानना करके। इसने
तो बिल्कुल मेवालाल चौधरी पर तमाम तरह के मुकदमे दर्ज है। मेवालाल चौधरी जो है वो एक बार कोर्ट की अवमानना कर चुके हैं। अगली तारीख तय की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली तारीख को कौन सी दलील पेश करते हैं मेवालाल चौधरी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। दोनों की इजाजत दीजिए, धन्यवाद।